किरण में दोस्तों आज हम फिर से आपको जानकारी देने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के तमाम सारी गाड़ियों के लेटेस्ट प्राइस को लेकर के, इसके ऊपर क्या ऑफर वगैरह आपको मिल जाने वाले हैं, इन सब चीज के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे साथ में है भाई साहब, क्या नाम है? पीयूष जी है हमारे साथ में। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए सर, आपकी कहाँ पे स्टॉल है, कहाँ कहाँ से डीलर से, थोड़ा बताइए। सर मैं बेसिकली तो इंदौर से हूँ, कृष्णा मोटर एजेंसी में देखता हूँ मैं अभी एज अ राइड कोऑर्डिनेटर प्लस वहाँ पे वेब एग्जीक्यूटिव हूँ मैं। तो वहाँ से मैंने भी दो दो गाड़ियाँ खरीदी है, क्या कृष्णा मोटर से, इंदौर से। तो रॉयल एनफील्ड काफी, मतलब मैं जिस डीलरशिप से हूँ काफी ओल्डेस्ट है वो डीलरशिप, वन ऑफ द, हाँ मतलब टॉप 10 इंडिया की डीलरशिप में वो आती थी उस समय। मतलब आप मान के चलो 1972 से हमारी डीलरशिप है, ऑलमोस्ट 52 इयर्स हो चुके हैं डीलरशिप को। तो पीयूष जी आज अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से, इस साइड से। या हमारे पास में जो ये गाड़ी है, ये जी सर, इस गाड़ी की क्या कीमत पड़ने वाली है, मोटा मोटा कीमत की? इसमें सर आप मान के चलिए आरटीओ जो भी आपका है यहाँ पे, जो इंदौर मतलब 50% का ऑफ मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 50% आपको ऑफ मिलेगा इसमें। उसके अलावा कीमत कितनी है ऑन रोड? ये आपको 235,000 में पूरी कंप्लीट मिलेगी सर, डिस्काउंट काट करके, काट के सर। अच्छा, अगर हम इसको डिस्काउंट के अलावा इंदौर में परचेज करते तो 245 के पड़ते सर आपको, मतलब कि 10,000 रुपए के आसपास का हमें। बिल्कुल बिल्कुल आरटीओ में आपको। तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों के ऊपर अक्सर करके डिस्काउंट वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप उज्जैन व्यापार मेले में इन गाड़ियों को परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको मोटा मोटा मीटियोर 350, ये कौन सा वाला मॉडल है सर? सर ये फायरबॉल है, मीटियोर का स्टार्टिंग वेरियंट है ये, इसके ऊपर आपको 10,000 रुपए की छूट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास में एक और है, ये सर लेटेस्ट लॉन्च है ये, आप इस पे आप देख सकते हो टैग, आप कैमरे को पास ला सकते हो, बोल सकते हो सर इसको लेटेस्ट तो नहीं है। तो इसकी क्या कीमत पड़ने वाली है सर? इसका 2 लाख में कंप्लीट पड़ेगा सर आपको, डिस्काउंट काटने के बाद में। हाँ जी ओके। इसमें हमें कलर ऑप्शन और भी देखने, क्रोम जैसे की आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। ये वाला मॉडल या क्लासिक का टॉप मॉडल जी सर। ये गाड़ी हमें कितने में पड़ेगी सर? 255 में ऑन रोड कम्प्लीट है सर आपकी, 245 में ठीक है, उससे मतलब की 10,000 के करीब महंगी है, ठीक है, मेट्रोल से ही महंगी है थोड़ी सी। हाँ। तो दोस्तों इन सभी गाड़ियों को खरीदने के लिए अगर आप मुझे इंदौर से देख रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी गाड़ियों को खरीदने के लिए अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो कोठारी ऑटोमोटिव्स ठीक है, और रतलाम, और रतलाम में कहाँ है अपनी? गैलेक्सी। तो ये गाड़ी हमने आपको दिखा दी है, अब हम आपको इस साइड में भी गाड़ी, और दूसरी बात दोस्तों E20 जो एथेनॉल अपना फ्यूल आने वाला है सभी गाड़ियों के अंदर, वो जो एथेनॉल वाला फ्यूल है उसको आप यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर वगैरह मिल जाता है, फ्यूल गेज वगैरह आपको मिल ही जाता है, जो कि पहले समस्या रहा करती थी लोगों की। सीट देखे आप कितनी अच्छी इसकी सीट है, काफी अच्छा कुशन है, और पीछे से भी अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइल आपको मेटियोर वाली जो लाइट है वही यहाँ पर दी है, लगभग इस हिसाब से गाड़ियों को पहन के सर ऑन रोड आप 1000 में कंप्लीट पड़ेगी सर आपको, 2,45,000, 2,45,000 रुपए में आप इसको टॉप मॉडल को परचेज कर सकते हैं। या तो ये तो सदाबहार गाड़ी है सर। बिल्कुल सर, ये इसमें स्पेशल सर एक ये भी है कि ये आज भी हैंडमेड है, हाथ से बनाई जाती है। इसको मैंने देखा है रॉयल एनफील्ड में, मैं एक साल मद्रास में था 2001 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तब मेरे साथ में ये जो बंदा है इसके पेट्रोल टैंक के ऊपर जो लाइनिंग बनाता था वो मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। अब हम चलते हैं पीछे की साइड में, जिनके बारे में पीयूष जी बताएंगे सर, ये कौन सा मॉडल है अपना? सर जो इलेक्ट्रा आती थी ना पहले, स्टैंडर्ड के साथ इलेक्ट्रा को न्यू लॉन्च कर दिया सर, पूरा न्यू लुक में आप लॉन्च करा है एज इट इज, क्लासिक के चेचिस पे लॉन्च करा है इसको, J1 सीरीज पे। अच्छा, इसके वाइब्रेशन लेस हो चुकी है सर ये गाड़ी भी। इसका तो लुक ही चेंज कर दिया सर। यस सर पूरा, बिल्कुल बिल्कुल सर, इलेक्ट्रा में तो क्रोम बहुत सा आता था, काफी काफी पूरा चेंज कर चुके सर इसको। तो एक बार जरा ऊपर से गाड़ी दिखाओ भैया थोड़ी सी सर, टॉप व्यू लेकर के गाड़ी देखो कितनी सुंदर ये करती है, इलेक्ट्रा वेरिएंट को यहाँ पर जो है, और बुलेट 350 cc के नाम से ये गाड़ी आएगी, और इन सभी में जो इंजन लगा हुआ है वो 350 cc का इंजन है, जो की आपको बैटरी पावर और टॉर्क देने का काम करता है। बाकी माइलेज के हिसाब से अगर बात करें दोस्तों तो काफी अच्छी पावरफुल ये गाड़ी है, तो मेरे ख्याल से आपको 40, 42, 45 तक का ही माइलेज मिल पाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर, वाले कुछ भी बोले आई डोंट नो, और इस चीज को लेकर के कोई कोड भी ना करे दोस्तों, क्योंकि भारी भरकम इंजन के साथ में ये गाड़ी है। सर इसकी कीमत क्या पड़ने वाली है? ये सर 2 लाख में पूरी कंप्लीट पड़ेगी आपको, उज्जैन मेला से आप लेना चाहे तो। अच्छा, एस एस की कीमत 2,12,000 रुपए है। ओके, ये हमारे पास में कौन सी है? वही सेम है, सेम इज इसका, ये सर लेटेस्ट वेरियंट है। अच्छा, ये लेटेस्ट इसमें सर इन दोनों में डिफरेंट जो है स्ट्रिप्स का है सिर्फ। इसमें आपको स्ट्रिप्स अच्छा मिलेगी या प्लेन रहेगी? ओके ओके, पेट्रोल टैंक के ऊपर जो है या ये लाइनिंग डाली है। गाड़ी पूरी सेम है सर, बस टैंक में आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, कीमत 5,000 का अंतर रहेगा, थोड़ी हाई लाइन लगाने के लिए मतलब। जी जी, तो भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बाकी डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है। नहीं, इसमें सिंगल चैनल है सर, इलेक्ट्रा में। यस सर, तो ब्रेकिंग वगैरह काफी अच्छी हो गई है गाड़ियों की। और ये हमारे पास में कौन सा है सर? सर ये क्लासिक का डार्क वेरिएंट है, डार्क वेरिएंट मींस कि आपको इसमें आप देखोगे साइड पोर्शन से भी आप देखोगे तो पूरे ब्लैक थीम पे पूरा इसका इंजन से लेके सब मिरर इंजन, और देन इसमें आप अलॉय व्हील भी देख रहे हैं सर। अच्छा,
हाँ, डबल चैनल एबीएस के साथ एलआईवी है सर इसमें। दोस्तों कभी किसी जमाने के अंदर लोगों की बड़ी शिकायत हुआ करती थी कि गाड़ियों के अंदर अलॉय व्हील दे रही है, और रॉयल एनफील्ड हमेशा से अपनी गाड़ियों के अंदर अलॉय व्हील इसलिए नहीं दिया करता था क्योंकि गाड़ी काफी बल्की है, काफी भारी गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो बैलेंसिंग है ना वो बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए इन सभी के अंदर स्पोक्स व्हील आया करते थे, लेकिन अभी गाड़ियों के अंदर आपको अलॉय व्हील भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मतलब की गाड़ियों को काफी मतलब अपडेटेड कर दिया है आज के हिसाब से, यूथ की चॉइस को देखने के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से हमने आपको रॉयल एनफील्ड की तमाम सारी वेरिएंट की जानकारी यहाँ पर दे दी है। और पीयूष जी, इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा कोई ऑफर है तो और कुछ है तो बता दो, बाकी offer? नहीं है तो वो मना कर दो। हाँ, इनफील्ड में ऑफर तो सर कहाँ है, दिवाली सीजन में भी नहीं आता है। ये है कि एबिलिटी आपके लिए हम जल्दी से जल्दी करवा देंगे, यही सबसे बड़ा ऑफर है। दूसरा दोस्तों, अगर आप 1 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में उज्जैन व्यापार मेले में इन गाड़ियों को परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपको आरटीओ के जो डिस्काउंट है 50% के, वो जरूर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों में जो कि गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू।